अस्सलामुअलैकुम गाइस, ये क्लॉक टावर की एंट्रेंस है। यहाँ पे हम लोग ये 157 लेवल के ऊपर आए हैं और इसकी एंट्रेंस है। इसकी एंट्रेंस काफ़ी वाइड है। सबसे बड़ा मसला जो क्लॉक टावर की एंट्रेंस के अंदर है कि इनके पास सिर्फ 3 लिफ्ट है, उससे थोड़ा बड़ा रश होता है। ये इनके हम मेन एरिया लॉबी एरिया के अंदर जाने वाले हैं। ये देखिए, छोटी सी थोड़ी सी जल्दी वीडियो बनाऊँगा और यू कैन सी काफ़ी अच्छी एक एरिया रहने के लिए लिविंग है। बहुत एक्सपेंसिव है। राइट नाउ करंटली आई पेड ऑलमोस्ट $800 फॉर अ नाइट। यू कैन सी इसके अंदर काफ़ी एरिया के अंदर इसका आपको रश मिलेगा। पहले लिफ्ट में आने पे रश आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। नॉर्मली आपकी नमाजें मिस हो जाती हैं, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी नमाजें इसी होटल के अंदर जो है ना वो पढ़ सकते हैं। अगर स्पेशली आप सामने भी हरम व्यू का कमरा लेते हैं, उसके बगैर भी लेते हैं, तो वो उसी के अंदर कंसिडर जो है ना आपकी नमाजें काफ़ी इनकी अच्छी लॉबी और एरिया। एंड ये इनका सिटिंग एरिया, क्योंकि दरश काफ़ी ज़्यादा होता है ना, उन्होंने ही फिर वाइट सिटिंग एरिया भी बनाया है। ये अतियाफ की तरफ ये इनकी, फिर आप देख सकते हैं अगर मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊं कि इनके डिफरेंट अतियाफ रेस्टोरेंट है, एस्केलेटर, रेजिडेंस, रिसेप्शन और इस तरह करके काफ़ी डिफरेंट जगह के ऊपर आप जा सकते हैं। एक्सेस है, आप मॉल में भी जा सकते हैं, नीचे हरम में भी जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इन होटल्स की ये कि इधर जो है ना आपको आवाज़ आती है, चौखा नकाबा में अजान होती है, तो आप कभी भी अपनी जो है ना वो मिस नहीं करते नमाज यहाँ पे। ये फिर अंदर रेस्टोरेंट जो अतियाफ रेस्टोरेंट है उसकी है, जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, आपका लंच और डिनर आपके जो है वो सर्व होते हैं। हम आपको बाद में दिखाएंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तो यू कैन सी इट्स वेरी नाइस प्लेस। अभी हमने स्टिल एक्सप्लोर करना है अंदर रूम कैसे हैं हिल्टन के। तो आपने मेरी पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें आपने देख लिए थे कि वो रूम कैसे हैं। बाकी आपको मैं अभी अपने एरिया में जाके जो है ना मैं आपको अपने रूम के अंदर जाके दिखाऊंगा उसका एक्सपीरियंस। रश ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है और आपको पता है अब आजकल सीज़न उम्र का ख़त्म हो रहा है, अब हज का है, तो सारे लोग आ रहे हैं, काफ़ी धड़ धड़ रश लगा हुआ है। इसमें भी बड़े मुश्किलों से तो नहीं, स्पेशली हज सीज़न में आपको कमरा मुश्किलों से मिलता है। और उसके फिर उतने ज़्यादा रेट चार्जेस वगैरह ज़्यादा होते हैं। जो नॉन हरम व्यू है उसके कम चार्जेस हैं, लेकिन जो हरम व्यू है उसके चार्जेस ज़्यादा, जहाँ से आपको डायरेक्टली खाना काबा नज़र आता है। तो स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर कमरे का जो है ना वो प्रॉपर रिव्यू दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें मोशन ट्रैवल्स को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।